वेलकम टू देसी पटाका, मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में शहनाज को और गिल आखिर किससे प्यार करती हैं, किससे करती हैं, इस बात का खुलासा शहनाज ने खुद किया फ्राइडे के एपिसोड में। शहनाज को और गिल बेसिकली किसी से भी प्यार नहीं करती हैं। वेल दोस्तों, अगर आपने सच में सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो बयान दिया है शहनाज ने, वो यही दिया है कि वो बेसिकली ना तो पारस से प्यार करती हैं, ना ही सिद्धार्थ से प्यार करती हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शहनाज ने खुद किया। जी हाँ, जब आपने देखा हो फ्राइडे के एपिसोड में रश्मि और शहनाज की बातचीत हो रही थी, तो रश्मि ने पूछा कि तू इन दोनों में से किससे प्यार करती है, तो शहनाज कहती है कि यार मैं इन वैसे तो इन दोनों में से किसी से भी नहीं करती, लेकिन अभी ठीक है ना, अभी घर के अंदर कुछ तो होना चाहिए था ना। जिसके बाद रश्मि कहती है कि तो तू इन दोनों से प्यार नहीं करती, तो वो कहती है पता, इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन था, कोई भी नहीं था। जिसके बाद रश्मि इशारा करती है आसिम की तरफ और शहनाज कहती है नहीं यार, वो नहीं, उसके मैनली लुक्स नहीं है, मेरे को ना मैनली लुक्स वाला लड़का पसंद है। तो क्या शहनाज इतने दिनों से सिर्फ सिद्धार्थ के साथ दिल लगी कर रही थी, जिसको हम लोग प्यार समझ के सिद्धनाज बनाकर हम सर आंखों पर रखकर बैठे थे, क्या सिर्फ वो एक टाइम पास था शहनाज को और गिल के लिए? वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो सिद्धार्थ को पैम्पर करती है, उनके गले लगती है, उनके साथ स्पेंड करती है, क्या ये सब कुछ शहनाज ने सिर्फ टीआरपी के लिए किया, ये सिर्फ टीआरपी का खेल था? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट।